लालू के नंदलाल की आपने सियासत देखी, चलिए बात अब मध्य प्रदेश की सियासत की, क्योंकि वहां पर अशांति है और इस अशांति को शांति में तब्दील करने के लिए फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें। दशहरा मैदान पहुंचे हैं, उपवास पर बैठ रहे हैं और ये कहना है कि जब तक राज्य में शांति नहीं होती तब तक इनका ये उपवास चलता रहेगा। तस्वीरें भोपाल के दशहरा मैदान से, ये तस्वीरें शांति बहाली के लिए उपवास पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसान आंदोलन की आग में झुलस रहा है मध्य प्रदेश और जिस तरीके से गोली चली, किसानों की मौत हुई, राज्य में अशांति है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोग आए मुझसे बातचीत करें, मैं हर वक्त वार्ता के लिए प्रस्तुत हूं, मैं हर पहल जो शांति ला सके उस पहल के लिए आगे हो, लेकिन अशांति नहीं होनी चाहिए, जो उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, राज्य में शांति हो इसलिए उपवास पर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान से यह तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कुछ सहयोगियों के साथ और इस दशहरा मैदान में उपवास पर बैठे हैं और कहना यह है कि जब तक राज्य में शांति नहीं होती तब तक ये उपवास चलता रहेगा, हर समस्याओं का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, किसानों से बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं, मैं हर वक्त बातचीत के लिए प्रस्तुत हूं, पहले भी बातचीत करता था, आज भी बातचीत के लिए तैयार हूं, बातचीत के लिए कभी ना नहीं किया और जो भी हो सकता है रास्ता निकाला जाएगा, समाधान निकाला जाएगा, लेकिन राज्य में अशांति नहीं होनी चाहिए, राज्य में उपद्रव नहीं होना चाहिए, जो अशांति फैलाएंगे जो उपद्रव फैलाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये बातें उन्होंने कही है। इससे पहले एक वीडियो संदेश भी जारी किया था खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, शांति की अपील की थी और ये कहा था कि लोग आए मुझसे बातचीत करें, अगर किसी को कोई समस्या है, किसानों को कोई समस्या है उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से मांग क्या है ये हम आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखा रहे हैं। आखिरकार ये पूरा बवाल है क्यों, जो किसानों की मांग है कि कृषि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर फसलों की खरीद फरोख्त न हो, फसल की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य कम से कम उन्हें मिले, दूध की जो कीमत है वो 50 रूपये मिले, जो दूध बेच रहे हैं जो किसान है उनको मिले, कृषि मंडियों की बात कर रहे हैं और साथ ही आलू प्याज और दूसरे फसलों का समर्थन मूल्य घोषित हो, क्लियर कर दिया जाए कि आखिरकार एमएसपी है क्या चीज, किसानों के कृषि ऋण माफ किए जाए, पूरी तरीके से माफी हो, किसानों की कर्ज माफी हो और साथ ही बहुफसली भूमि का अधिग्रहण ना हो, ये बात साफ तौर पर किसानों ने कही है और साथ ही बढ़े हुए बिजली बिल वापस दिए जाए, साथ ही जिन किसानों को पकड़ा गया है उनको भी छोड़ा जाए, जो लीडर्स हैं उनको भी छोड़ा जाए, ये तमाम मांगे, खाद बीज और कीटनाशकों के रेट भी तय हो, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, उन पर किसी तरीके का कोई मुकदमा न चले, तो ये 7-8 मांगे हैं किसानों की जिनको लेकर यह पूरा आंदोलन चला और उसके बाद इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, मंदसौर में फायरिंग हुई, फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद लगातार राज्य में अशांति बनी हुई है, हालांकि मंदसौर में स्थिति सुधरी है, वहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है शांति होने के बाद, लेकिन कुल मिलाजुलाकर सियासत भी फिलहाल हो रही है, लिहाजा अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में बैठे हैं उपवास पर। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनकी इस गादीगिरी से मध्य प्रदेश में स्थिति सुधरेगी। तस्वीरें भोपाल के दशहरा मैदान से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सहयोगियों के साथ इस वक्त उपवास पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीछे तस्वीर गांधी जी की तस्वीर, राज्य में अशांति है, किसान आंदोलन जब हिंसक रूप लिया और उसके बाद 5 किसानों की मौत हुई, पुलिस की ओर से जो फायरिंग की गई उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। भोजन वापस लौटते हैं, चलिए सीधे करते हैं भोपाल के दशहरा मैदान का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री विधायक साथीदार जनप्रतिनिधिदार मेरे किसान बहनों भाइयों आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। तेरह साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
साढ़े 11 साल से मैं मुख्यमंत्री हूँ। साढ़े 11 सालों में मेरी हर एक सांस चली है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए चली है, प्रदेश के विकास के लिए चली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, माता हो, बहने हो। एक तरफ हमारा लक्ष्य रहा है प्रदेश का विकास और दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य रहा है जनता का कल्याण। अलग अलग क्षेत्रों की एक भी अनेकों योजनाएं बनाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनने के समय से एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और वो प्राथमिकता थी खेती किसानी, हमारे किसान भाई और बहन। जैसे 300 से ज्यादा आबादी हमारी आज भी खेती पर निर्भर है, अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो बिना किसान के आगे बढ़ नहीं सकता। खेती लाभ का धंधा बने इसके प्रयास किए गए, अगर चर्चा में पैसे नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मैं मुख्यमंत्री बना, हमारे 7 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी, आज शून्य जमीन का रकबा है 40 लाख हेक्टर मेरे बहनों में भाई। प्रगति मेरे पास चाहिए ने कर हर खेत को पानी, मैं तो सिंचाई की योजना थी, नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में आया, गंभीर मनाने का काम किया था, पार्वती में ये मारवा के हिंदुस्तान बनने की दिशा में पढ़ रहा था, और नर्मदा जी का जन्म ले जाकर हमने कह दिया कि मालवा किसी भी कीमत पर रेगिस्तान नहीं बनने दिया जाए। प्रदेश के अगर अंतर दोस्तों से किसान सिंचाई की व्यवस्था की मांग करते थे, जहां जैसे हुई अलग अलग सिंचाई की योजना गिराऊंगा तो बहुत पता लग जाएगा, पानी पहुंचाने में हमने कोई पैसा नहीं छोड़ी, और आज भी हमारी टॉप प्रायोरिटी है पहली प्राथमिकता है किसान के खेतों में पानी पहुंचाना। हमने मध्य प्रदेश में सरकार ने कर दिया। बस यहाँ पर फेंक का जल्द वापस लौटते हैं।